नमस्ते, मैं रजत हूं और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। ललन टॉप की चुनावी कवरेज आप देख रहे होंगे। इसके साथ ही हम फेसबुक के साथ मिलकर वर्कशॉप कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि वो फेक न्यूज से कैसे बच सकते हैं। हम उनसे जान रहे हैं कि उन्हें किस किस तरह की फेक न्यूज मिलती है। इसी कड़ी में हमारी टीम मुंबई में थी। मुंबई में मुबारक ने, जो हमारे रिपोर्टर हैं, मुबारक ने एक स्टोरी की, एक वर्कशॉप की वहाँ पर, और वर्कशॉप में उन्होंने जाना लोगों से कि उन्हें किस किस तरह की फेक न्यूज़ मिलती है। वहाँ पर हमें मिले अनमोल कपूर, उन्होंने हमारी वर्कशॉप अटेंड की। उन्हें भी एक खबर पर शक था, वो एक वायरल मैसेज की सच्चाई जानना चाहते हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग के आदेशानुसार अगर कोई वोट ना करे तो उसके अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे। ये वायरल खबर चल रही है। इसके साथ लिंक शेयर किया जा रहा है लोकमत का, जो कि एक मराठी अखबार है, मराठी दैनिक लोकमत का इसके साथ लिंक शेयर किया जा रहा है। अब लोकमत की महाराष्ट्र के अंदर अच्छी साख है और अगर उसके तरफ से ऐसी कुछ खबर आती है तो लोगों का शक करना लाजमी है। तो उसकी एक खबर को फैलाया गया, लेकिन हम सबसे पहले सुन लेते हैं कि अनमोल कपूर ने क्या कहा हमसे। मेरा नाम अनमोल कपूर है, मैं विस्लिंग वुड्स मुंबई से हूँ। आज मैंने ललन टॉप का एक सेशन अटेंड किया जो कि फेसबुक के साथ कोलैबोरेशन में था, और ये मेरी एक फेक न्यूज़ है जिसे मैं चाहता हूँ आप लोग वेरीफाई करें। अब दावा जान लेते हैं। दावा असल है मराठी लैंग्वेज में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ बात अंग्रेजी में लिखी हुई है और साथ में मराठी में। मराठी में अच्छे से पढ़ नहीं पाऊंगा इसलिए मैं कोशिश भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको इसका एक मोटा मोटी बता देता हूं। इसमें कहा यह जा रहा है कि जो लोकसभा इलेक्शन में मतदान के लिए नहीं जाएगा, मतदान नहीं करेगा, उसके बैंक अकाउंट से 350 रुपया काट लिया जाएगा। और यहां पर ये लोकमत की आप देख रहे होंगे इस तस्वीर को, ये लेटेस्ट मराठी न्यूज़, ये लोकमत का एक लिंक शेयर किया जा रहा है। हालांकि असल लिंक जो है खबर का वो शेयर नहीं किया जा रहा, सिर्फ लोकमत का जो वेबसाइट का लिंक है वो शेयर किया जा रहा है। यानी आप इस पर क्लिक कर भी देंगे तब भी आप डायरेक्टली उस खबर तक नहीं पहुंचेंगे और थक हार कर हो सकता है अगर आप इस पर यकीन कर बैठें इस खबर पर तो आप इस खबर को शेयर कर दें। लेकिन ये वो हमने आगे हम उस खबर तक गए, हमने उस खबर का ये जो हेडलाइन है उसकी, और ये वो पूरी खबर है आगे इससे कि जिसमें बताया गया कि क्यों कटेंगे और कैसे कटेंगे। हमने इस खबर की पड़ताल की, इस खबर की पड़ताल के बारे में हम आपको बताएंगे। दरअसल ये स्टोरी जो है जब लोगों ने पढ़ी थी तो बहुत सारे लोग चौंके थे, और इसका एक कारण और भी था कि लोकमत ने, ये लोकमत का अपना फेसबुक पेज है, उन्होंने इस पूरे अपने पेज पर भी ये खबर डाली थी, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी साथ में शेयर की जो लोग पकड़ नहीं पाए। मैं इसके बाद आपको और दिखाना चाहूँगा आगे। ये सिर्फ लोकमत ने नहीं किया था, लोकमत की तरह ही जो हिंदी में अखबार चलता है टाइम्स ग्रुप का, जो नवभारत टाइम्स है, नवभारत टाइम्स में भी ऐसी ही खबर हुई थी। ये खबर हुई थी होली के दिन और तारीख थी 21 मार्च, लेकिन कुछ लोगों को लगा, इस खबर पर शक हुआ कि क्या सच में ऐसा होगा, तो उन्होंने कुछ एक ग्रुप्स थे जहां पर ये पोस्ट कर दिया था। जैसे लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देने गए तो बैंक से अकाउंट से कटेंगे 350, चुनाव आयोग का सही कदम। कुछ लोग इसे सराह रहे थे, कुछ इस पर डिबेट भी करने लगे, लेकिन एक चीज़ जो अहम थी उस पर ध्यान नहीं गया लोगों का, वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये वो कटिंग है जिस कटिंग को वायरल किया गया हिंदी के अंदर। इस कटिंग में लिखा लिखा साफ कि वोट नहीं देने गए तो बैंक अकाउंट से कटेंगे 350 रुपये, और आगे पूरी खबर है। तो ये किसी ने स्क्रीनशॉट डाल दिया, लेकिन एक शरारत उसने कर दी कि इसका पूरा स्क्रीनशॉट नहीं डाला। उसने जो सबसे आखिर में बात लिखी है वो उसने यहाँ पर नहीं डाली, और शरारती तरीके से इसको सोशल मीडिया पर पहुँचाया गया। सबसे आखिर में बात लिखी थी, बुरा ना मानो, होली है। अब तो आप पूरा वीडियो, पूरी बात समझ ही गए होंगे कि असल हुआ क्या है। तो ये रही, हम आपको दिखा देंगे कि आगे असल कटिंग्स क्या है, असल खबर क्या थी। ये वो असल खबर है, ये वो कटिंग है जिसपे साफ साफ लिखा हुआ है वही खबर, वोट देने नहीं गए तो बैंक अकाउंट से कटेंगे 350, बुरा ना मानो, होली है। हमने इसके बारे में जानकारी पहले भी हमारे दर्शकों को दी थी, क्योंकि ये खबर फिर से वायरल हो रही है और हमारे साथी ने एक पूछा हमसे, अनमोल कपूर ने, मुंबई में हमारी वर्कशॉप में, इसलिए हम आपको वापस आपके साथ ही जानकारी शेयर कर रहे हैं। वैसे अभी तो आखिरी चरण चल रहे हैं इलेक्शन के, तो अब तक अगर किसी के पैसे कटे होते तो आपको पता चल जाता कि पैसे कट रहे हैं या नहीं कट रहे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सिर्फ होली के दिन एक मजाक था
जो नवभारत टाइम्स कई तरीके से अपने नवभारत टाइम्स समेत और भी अखबार हैं जो इस तरीके का हर साल छापते हैं, कुछ मनोरंजन वाला, कुछ व्यंग वाला, कुछ इस तरीके से खबरें छापते हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक थी जिसे बाद में सोशल मीडिया पर जानबूझकर एक एजेंडे के तहत ठेला गया, और क्योंकि लोग इस बात के शक में हैं अभी भी, इसलिए हम आपके साथ दोबारा एक खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे विनीत हैं। अगर आपको भी किसी ऐसी खबर पर शक हो, अगर आपको भी लगे कि कोई जानकारी गलत है या अफवाह है, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है पड़ताल मेल @gmail.com। शुक्रिया।